गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे आर्म्स एक्ट मामले में 14 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट से बिश्नोई की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। क्राइम ब्रांच का मामला सनलाइट थाने से संबंधित है। गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। हिरासत अवधि में आरोपी से गैंगस्टर काला जठेड़ी के आमने सामने पूछताछ की गई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को 24 मई 2023 को आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उससे 25 पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। 25 मई को लॉरेंस को मंडोली जेल के हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।